नमस्कार, आइए आज फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरनीत सिंह गुलाटी। आज के लेसन में मैं आपके लिए एक और अच्छा अलंकार लेकर आया हूँ, अलंकार नंबर 17। पिछले लेसन्स में बहुत आप प्यार मिल रहा है आप लोगों का, बहुत अच्छा रियाज भी कर रहे हैं सब, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा थोड़ा ऐसे आगे चलेंगे हम तो हार्ड होते जाएंगे। और जो पहले सारे अलंकार प्रैक्टिस किए होंगे जिन्होंने, उन्हीं को ये बजाने में आसानी होगी। तो पहले भी आप अलंकारों को सबको प्रैक्टिस करें। आइए अब समझते हैं ये अलंकार कैसे है। ये इसकी आरोह, ये अवरोह, ऊपर से नीचे तक देखिएगा। अब इस अलंकार में आप यहां देखिए, हमने ब्लॉक बनाया सारे गामा। जैसे हमने पहला अलंकार बजाया था, एक दूसरा अलंकार सारे गामा रे गामा पा, तो ऐसे हमने चार स्वर लिए सारे गामा। लेकिन जब हम ऊपर से लौट के आए तो माँ से अलग जो स्वर है पामा गारे, ऊपर से हम उल्टा लौट के आए, सारे गामा पामा गारे, फिर हमने लिया रेगा मापा धापा मागा, मतलब यहां से जाएंगे और ऊपर के एक स्वर से वापस चार स्वर वापस आएंगे। सारे गामा पामा गारे, रेगा मापा धापा मागा, गामा पाधा नीधा पामा, मापा धानी सा निधा पा, पाधा निसा रेसा निधा, धानी सारे गारे सानी और नीसा रेगा मागा रेसा, ऊपर के सा पे खत्म हुआ। अधिकतर लोग जो अलंकार बजाते हैं तो वो यहाँ सा पर आने के बाद, यहाँ इस लाइन के बाद खत्म कर देते हैं अलंकार, लेकिन मैंने इसको संपूर्ण कर दिया है पूरे सा तक। ये सा से शुरू होगा और सा पर ही संपूर्ण होगा। ये जिन पे ऊपर बिंदी आप देख रहे हैं, तो मैंने जैसे आपको बिगनिंग के पहले लेसन में बताया था कि जिनके स्वर के ऊपर बिंदी होती है वो ऊपर के स्वर होते हैं, ये ऊपर के स्वर हैं। और जब अमरोह में आएंगे हम, तो अमरोह में भी हम नीचे के स्वर पे भी देखिए, नीचे बिंदी है, नीचे के स्वर हैं, ऊपर के सा से नीचे के सा पर आएंगे। सानी धापा मापा धानी, हम पा तक आए फिर माँ से आगे वापस चार स्वर चले गए। सानी धापा मापा धानी, नीधा पामा गामा पाधा, धापा मागा रेगा मापा, पामा गारे सारे गामा, मागा रेसा, ये नीचे का नहीं है देखिए, नीसा रेगा गारे सानी धानी सारे रेसा नीधा पाधा नीसा। आइए अब हम इसको हारमोनियम पर बजाना सीखेंगे कि ये कैसे बजेगा। आइए अब हम सीखेंगे ये अलंकार हारमोनियम पे कैसे बजेगा। देखिए इसका पहला ब्लॉक है, आरो देखिए, सा रे गा मा पा मा गा रे गा मा पा धा पा मा गा मा पा धा नी धा पा मा गा पा धा नी सा नी धा पा पा धा नी सा रे सा नी धा धा नी सा रे ऊपर बिंदी है वो इस सा से ऊपर के स्वर हैं, और जिनके नीचे बिंदी है वो ये जो आपका सा जिससे आप गा रहे हो उससे नीचे के स्वर है। अब अवरोह देखेंगे, सा नी धा पा मा पा धा नी नी धा पा मा गा मा पा धा धा पा मा गा रे गा मा पा पा मा गा रे सा रे गा मा मा गा रे सा नी सा रे गा गा रे तैयार करें, इसको साथ में गाएं भी बजाएं भी। ये फास्ट बहुत अच्छा बजता है, जब आपके हाथ में चढ़ जाएगा तो ये तेज भी बजना शुरू हो जाएगा। देखिए मैं आपको बजा के भी दिखा रहा हूं, सा रे गा मा पा मा गा रे रे गा मा पा धा पा मा गा गा मा पा धा नी धा पा मा मा पा धा नी सा नी धा पा पा धा नी गा रे धा नी धा धा नी गा रे गा रे धा नी नी गा रे गा मा गा रे धा सा नी धा पा मा पा धा नी नी धा पा मा गा मा पा धा धा पा मा गा रे गा मा पा पा मा गा रे सा रे गा मा मा गा रे सा नी सा रे गा गा रे सा नी धा नी सा रे रे सा नी धा मा गा नी सा। तो ये और फास्ट भी बज सकता है और तेज भी बज सकता है, लेकिन अभी आप, मेरा काम आपको सिखाना है, कोई कलाकारी दिखाना नहीं है। तो आप जो है इसको आराम से अभ्यास करें, बजाएं, साथ में गाएं, आपका गला भी तैयार होगा। सारे अलंकारों को आप गाएं भी बजाएं भी, साथ में आपका कंठ भी तैयार होगा, सुर से आवाज मिलाएं। वो मैं अभी वोकल क्लास शुरू करूंगा तो वो भी आपको समझाऊंगा। फिलहाल हारमोनियम क्लास में आप अभी अपनी फिंगरिंग की प्रैक्टिस करें, इन अलंकारों को अच्छे तरीके से बजाएं और सारे अलंकार रोज बजाएं। बड़ा प्यार मिल रहा है आपका, इसी तरीके से मेहनत करते रहें। मेरे चैनल को और आगे फॉरवर्ड करें ताकि और लोग भी इससे फायदा उठाएं। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।